स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग के बीच में क्लास सिक्स्थ का इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम तो बहुत ही लंबा है, पर ये तो नाम याद कर लेना है आपको। फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे मोरल चीज़ें भी सीखेंगे, मोरल लेसन सीखेंगे। इस चैप्टर का नाम है द एम्परर एंड द नाइटिंगेल, द एम्परर एंड द नाइटिंगेल, याद हुआ आपको? तो इसमें सबसे पहला जो हेडिंग है इस चैप्टर का, हम लोग इसी पर बात करते हैं और पहले इस हेडिंग को समझने का प्रयास करते हैं। एम्परर, एम्परर का मतलब क्या होता है? एम्परर मीन्स किंग, मीन्स राजा। इसको हम लोग और बड़े आदर्श शब्द में कह सकते हैं सम्राट, उर्दू में सिखाते हैं बादशाह। तो छात्रों, एम्परर की बात कर रहे हैं हम लोग, सम्राट की बात कर रहे हैं, और द एम्परर, द का मतलब ये होता है खास, निश्चित का बोध कराने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम लोग इंग्लिश में, ये मालूम है आप सबों को। और द नाइटिंगेल यानी खास सम्राट, एक निश्चित सम्राट और एक निश्चित नाइटिंगेल। नाइट में शब्द है, नाइट का मतलब आप सभी जानते हैं, नाइट मतलब रात, और इसमें वर्ड को और इजाफा किया गया है, जोड़ा गया है आई ए नाइटिंग और फिर गेल वी ए एल। तो स्पेलिंग याद करना इजी है, हम लोग सबसे पहले नाइट जान लें, आई एन जोड़ दें और गिल जोड़ दें, तो नाइटिंगेल एक बड़ा वर्ड तैयार हो जाता है। नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल। बुलबुल कहने से आपके मन में एक वो फिगर आ रहा होगा, एक उस हसीन चिड़िया का फिगर आ रहा होगा जो बहुत ही सुंदर दिखती है या सुंदर गाती है। यस, वह चिड़िया जो बहुत ही सुंदर गाती है, बहुत ही स्वीट नोट्स, स्वीट सॉन्ग जिसके मुख से निकलते हैं, ऐसी चिड़िया हमारे यहाँ पाई जाती है जिसका नाम है कक्कू, कोयल। तो कोयल भी बहुत मीठा अपनी काकली, अपनी कुह कुह की आवाज़ में हमें सुनाती है अपने गीत को। और बुलबुल भी रेगिस्तानों में पाए जाने वाली एक ऐसी पक्षी है जो बहुत ही मधुर आवाज में अपने गीत गाती है। तो यहाँ पर इस हेडिंग से हम बात कर रहे हैं बहुत शॉर्ट में पहले, कि एक सम्राट, एक निश्चित सम्राट, एक खास सम्राट और एक खास नाइटिंगेल, दोनों के बीच में इंटरैक्शन है, दोनों के बीच में एक संबंध है। वो संबंध क्या है हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, और फिर ये संबंध आगे कैसे बढ़ता है, चरम पे जाता है, और फिर वो संबंध कैसे धीरे धीरे नीचे की ओर डाउनफॉल होता है उसका। तो इस कहानी में ये सभी बातें आई है कि कैसे दोनों के बीच का वो संबंध, रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन, द एम्परर एंड द नाइटिंगेल, इन दोनों का रिलेशन कैसे मजबूत होता है, और फिर वो रिलेशन धीरे धीरे चरम पर पहुंचने के बाद कैसे ढलान की ओर जाता है। तो हम लोग चैप्टर को देखते हैं लाइन बाय लाइन, इसमें मैं आपको कठिन वर्ड्स मीनिंग भी देते जाऊंगा और एक एक लाइन का हिंदी मीनिंग बताऊंगा ताकि आप चैप्टर को बढ़िया से समझ पाएं, आपका समझ शक्ति विकसित हो और आप इसके संबंधित प्रश्नों को आप फिर हल कर सकें। तो आज हम एक छोटा सा पैरा केवल आपको बताएंगे, आज चूंकि इसके पृष्ठभूमि में, इसके प्रीफेस में हम लोग ज़्यादा समय दिए हैं, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की फर्स्ट पैरा को। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले, लॉन्ग एगो, एगो मतलब पहले, और लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले या बहुत पुरानी समय की, बहुत पहले या उनका शक्ति पुरानी समय की बात है। Yes. Long ago there lived,
लॉन्ग इगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्परर। बहुत समय पहले की बात है, पुराने जमाने की बात है, कि एक चीन में एक बादशाह रहते थे, एक सम्राट रहते थे। ही हैड ए मैजेस्टिक पैलेस। मैजेस्टिक मीन्स शानदार, और पैलेस मैजेस्टिक, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, इसे हमें सीखना चाहिए। शानदार, जानदार, और प्लेस और प्ले पैलेस, ये वर्ड दोनों जानना चाहिए। प्लेस का मतलब आप सभी जानते हो, स्थान, और पैलेस मतलब महल। देखिए थोड़ा सा इसको कहते हिंदी में श्रुति शब्द, निर्थक शब्द, सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ में अंतर। प्लेस ये भी पैलेस, थोड़ा सा उच्चारण अंतर हो रहा है। यहाँ पी एल एस ई है, यहाँ पी ए एल एस ई है, एक ए केवल आ गया एक्स्ट्रा और ये मीनिंग पूरा बदल दिया। जैसे हम लोग देखते हैं पेन, पेन, और एक और पेन है पी ए आई एल, ये तीन तरह के स्पेलिंग। देखिए इस पेन मतलब कलम, ये पेन मतलब दर्द, दोनों पेन है, और इस पेन इसको बोलते हैं पेन, पेन मीन्स कड़ाई। तो इस तरह से ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन स्पेलिंग डिफर है, उसकी वर्तनी अलग है हल्की फुल्के, और अर्थ में तो पूरा आसमां जमीन का अंतर हो जाता है। छात्रों तो लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ चाइना, चीन की धरती पर जहाँ से कोरोना का आगाज हुआ है, आज कोरोना महामारी के चलते पूरा विश्व परेशान है, तबाह है, कितनी लोग की जानी गई है, उसी चाइना से इसकी शुरुआत हुई। उसी चाइना की बात मैं कर रहा हूँ। तो चीन में, चीन को इंग्लिश में क्या हम लोग उच्चारण करते हैं, चाइना। चाइना हिंदी में क्या बोलते हैं, चीन। तो चीन में एक बादशाह थी जिनका एक शानदार महल था। बिहाइंड द पैलेस, बिहाइंड मीन्स पीछे, महल के पीछे देयर वॉज ए ह्यूज फॉरेस्ट। ह्यूज, ह्यूज मीन्स विशाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं वास्ट, विशाल। महल के पीछे एक विशाल क्या था, फॉरेस्ट, जंगल था। एंड ए नाइटिंगेल लिव्ड इन इट, और उस जंगल में कौन रहता था, बुलबुल रहती थी। ठीक है, महल में सम्राट रहते थे और महल के पीछे में एक विशाल का ही जंगल, उस जंगल में बुलबुल का निवास। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा और आगे, ज्यादा देर तक आगे नहीं ले जाएंगे हम। तो नाइटिंगेल सैंग सो मेलोडियसली दैट इट वाज नोन फार एंड वाइड। यहाँ एक प्रोवर्ब आया है, फार एंड वाइड, फार एंड वाइड। फार मतलब होता है दूर और वाइड मतलब चौड़ा। फार एंड वाइड का मतलब होगा दूर दूर तक, दूर दूर तक। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका दूर दूर तक नाम फैल जाता है, देखते हैं ना। या कोई बहुत बुरा काम किया तो उसको लोग घृणा दृष्टि से देखते हैं। जब कोई अच्छा काम करता है तो अपने देश में, देश के बाहर, विदेशों तक भी नाम फैल जाता है। ठीक है, तो द नाइटिंगेल सैंग सो मेलोडियसली, वह बुलबुल इतना सुंदर, इतना मधुर स्वर में, इतना मर्मस्पर्शी स्वर में गाया करते थे, दैट इट वाज नोन फार एंड वाइड, कि उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति फैल गई फार एंड वाइड, दूर दूर तक लोग उसको जान गए। सब चर्चा करते थे कि बुलबुल बहुत बढ़िया गाती है, बहुत मधुर स्वर में गाती है। People even wrote books about it. और तो और लोग उस बुलबुल के बारे में, उस खास बुलबुल के बारे में,
मतलब वह बुलबुल जो बहुत अच्छा गाते थे उसके बारे में लोग किताबें लिखने लगे, लोग चर्चा करने लगे, कविताएं लिखने लगे, उसके पर लिखना शुरू कर दिए। वो बुलबुल बहुत ही मधुर गायन अपना सुनाती है। व्हाट इज दिस नाइटिंगेल, यह नाइटिंगेल क्या है? व्हाई आई नो नथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। ऐसा क्यों? व्हाई मीन्स क्यों? वन डे द एम्परर रीड वन ऑफ द बुक्स एंड विश टू सी द बर्ड सिंगिंग। लोगों ने किताब लिखा, लेखकों ने कहानियां लिखी इसके बारे में, कवियों ने कविताएं लिखी, तो ये किताब राजा यानी सम्राट के हाथों में पहुंचा। और जब सम्राट ने पढ़ा उस कविता में, सॉरी उस बुलबुल के बारे में पुस्तक में, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वो अपनी इच्छा जाहिर किया, इस बर्ड को देखेगा और उसकी आवाज को सुनेगा। द एम्परर ऑर्डर्ड हिज मेन टू ब्रिंग द नाइटिंगेल टू द पैलेस। राजा ने अपने आदमियों को, अपने मेन आदमियों को यानी सिपाहियों को या दरबारियों को आदेश दिया। राजा क्या करता है? आदेश देता है। तो ऑर्डर किया कि इस बुलबुल को महल में लाया जाए। देयर इट इज, वो है। ओनली ए किसिन मेड हैड सीन द नाइटिंगेल। उस बुलबुल को कौन देखा है, कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, ये सारे क्वेश्चन आ गए। तो इसको पता किया गया, राजा के आदेश हुआ, तो लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि इस नाइटिंगेल को कौन जानता है, इस बुलबुल को कौन जानता है। तो पता करते करते ये बात समझ में आई कि ओनली ए किचन मेड यानी रसोई में काम करने वाली दाई नौकरानी उसको देखा है। सो शी टुक देम टू द बर्ड, और इसलिए उसको बुला करके वहां तक लाया गया। कहाँ तक लाया गया? बुलबुल के पास ले जाया गया कि बुलबुल की ढूंढो कहाँ है वो। तो हम लोग देखेंगे अगली कक्षा में कि बुलबुल को रसोईया जो किचन मेड है वो ढूंढ पाती है कि नहीं, और ढूंढ पाने के बाद फिर उससे वो क्या कहती है, क्या बातें होती है उसकी, फिर वो महल में ला पाती है उसको कि नहीं। महल में यदि वो बुलबुल आती है तो फिर क्या होता है, आदि आदि ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारी क्यूरियोसिटी, उत्सुकताएं आपके दिमाग में होगी अब जानने के लिए कि आगे क्या होता है और आगे क्या होता है। तो हम जानेंगे आगे, लेकिन आज बहुत कम समय का आज मैं ये कक्षा ले रहा हूँ, क्योंकि आज का ये बिगिनिंग क्लास है। हम लोग अगली कक्षा में फिर इसको आगे जानेंगे। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ मैं, और रिव्यू में आज सबसे पहला ये जाने कि हम लोग क्लास सिक्स का इंग्लिश का ये जो मज़ेदार चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसका हेडिंग ठीक से याद कर लेंगे हम लोग। हेडिंग को स्मरण में कर ली, द एम्परर एंड द नाइटिंगेल, इसका हिंदी है सम्राट और बुलबुल। तो इसके बाद दूसरा जो है वो इसमें वर्ड्स मीनिंग हमने कई लिखा, मात्र एक छोटा पैरा पढ़ाने में 10 से अधिक वर्ड्स मीनिंग दिया हूँ। तो ये वर्ड्स मीनिंग तैयार करके याद करके खुद से लिख लेना है, और मैंने एक सेंटेंस मीनिंग दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 4 से 5 सेंटेंस इंग्लिश का लिखेंगे और प्रत्येक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी में ट्रांसफर करने के लिए आप सीख जाएंगे, और शुरू में कुछ गलतियां होंगी, बाद में आप अच्छा करेंगे, और फिर जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आप भी अपने साथियों को, अपने छोटे भाई बहनों को बता सकते हैं। तो ये 4 to 5 सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग हमें करना है। और नेक्स्ट हम बात करें तो इसका क्वेश्चन कुछ बना सकते हैं, और क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जैसे बहुत इजी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, जितना पढ़े उसके अंतर्गत। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द चाइनीज एम्परर लिव्ड इन ए पैलेस। चाइनीज एम्परर रहता था महल में, कैसा महल में?
बिग ओल्ड मैजेस्टिक स्मॉल, ओ तो कैसा, बड़ा महल में, पुराना महल में, शानदार महल में, छोटा महल में? तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी पहला सेंटेंस में कि लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्परर, ही हैड ए मैजेस्टिक पैलेस। यानी वो मैजेस्टिक पैलेस में रहता था। वो इसमें पाला का ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पूरा लिखेंगे और इसको चार में से चूज करके आंसर सी लिखेंगे। बिहाइंड द पैलेस देयर वाज ए रिवर, टेम्पल, हिल, फॉरेस्ट। बिल्कुल क्लियर है क्या था उनके महल के पिछवाड़े में? द नाइटिंगेल सैंग वेरी बैडली, स्वीटली, स्लोली, लाउडली। नाइटिंगेल कैसे गाती थी? बहुत बुरे ढंग से, बहुत मधुर, बहुत धीरे धीरे, बहुत जोर जोर से, बहुत ही मधुर। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चार चार आंसर। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं परीक्षा में, हम लोग मैं हर कंपटीशन में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस चैप्टर का तीन क्वेश्चन है, और तीनों आप आसानी से बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, बी का वर्ड पावर, बी का वर्ड पावर जो सेकेंड पेज पर है वो है मैचिंग टेस्ट। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, पहले से मिलान करेंगे तो क्या होगा, फॉरेस्ट मिलान करेंगे, रिपेयर का, मैसेंजर का, केज, केज मीन्स पिंजरा। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये दो पर्सन आप होमवर्क में क्वेश्चन करेंगे, और अलग से जो मैंने रिव्यू में क्वेश्चन दिया है वो कर लेंगे। तो इतना जिक्र करके आएंगे तो हम लोग आज जितना पढ़ें उसका पूरा पूरा लाभ मिल सकेगा। थैंक यू बच्चों। तो हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे इतना काम पूरा करके आने के बाद। थैंक्स।